हाय एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं रिव्यू व्लॉगर आपका अपना चैनल जो है। आज मैं दिखाने वाला हूं आपको जो है 2 BHK फ्लैट, वो भी एकदम अच्छी कॉलोनी में। अगर आप चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी आपका रेंट पे होने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर्टी। वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊँगा इसका रेंट कितना होने वाला है, लोकेशन क्या है, सब कुछ मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो आप वीडियो पूरा देखिए, बिना स्किप किए पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको मैं। तो आइए शुरू करते हैं जो है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे आप एंटर करते हैं ये सामने देखिए जो है आपके ये डोर है। प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हैं, माइका प्रेस है, वेल मेंटेन आपका डोर लगाया गया है। ये हैंड रैप आपके सामने जो है लगा हुआ है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। जैसे आप जो है डोर ओपन करते हैं, आप देख रहे हैं ये सामने आपका एक गैलरी है। ये सेपरेट है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। दिस इज़ फॉर ओनली फॉर फैमिली। सो आप देख सकते हैं जैसे आप एंटर करते हैं ये गैलरी से, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट बेडरूम या इसे आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। एरिया काफ़ी नीट एंड क्लीन होने वाला है, अच्छी कॉलोनी में होने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगी किस कॉलोनी में है। सामने आप देखिए जो है आपका सेकंड बेडरूम आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। नीचे देखिए जो है आप ये प्रॉपर तरीके से वाइट कलर का आपका टाइल लगाया गया है जो है। इसे आप गेस्ट रूम बना सकते हैं या फिर आप अपना पहला बेडरूम बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बनारस में अगर आपको कहीं भी प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने देखिए ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है जो आपका, ताकि प्रॉपर तरीके से एयर यहाँ से पास होता रहे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे देखिए स्विच बोर्ड लगाया गया जहाँ से आप लाइट फैन कंट्रोल कर सकते हैं। वाइट कलर की पुट्टी और पेंटिंग की गई है। ऊपर आपका देखिए स्पेस बनाया गया है जहाँ पर आप सामान अपना स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने आपका जो है ये किचन है और ये आपका जो है लॉबी। आप देख सकते हैं हॉल कह सकते हैं इसको आप। सामने आपका सेकंड बेडरूम है, उसके जस्ट बगल में गैलरी में आप देख रहे हैं वहाँ पे वॉशरूम है, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ जो है किचन। तो ये सामने आपका जो है किचन होने वाला है और ये पूरा आपका ऊपर इस लॉबी में देख सकते हैं आपका वाइट कलर की पुट्टी प्रॉपर तरीके से की गई है। यहाँ भी आपका टाइल, यानी कि पूरे फ्लोर पे आपका टाइल लगाया गया है। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, मैं अभी आपको बालकनी भी दिखाने वाला हूँ, क्या रेट होने वाला है, लोकेशन क्या होने वाला है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए। यह यहाँ पे आपके स्विच बोर्ड मॉडर्न तरीके का लगाया गया है। वेंटिलेशन का यहाँ पे प्रॉपर ख्याल रखा गया है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमें किचन। किचन देखिए आपका, ये वेल मेंटेन किचन है जो है आपका। उसके साथ साथ यहाँ भी देखिए जो है ग्रे कलर का आपका जो है यहाँ पे मार्बल लगाया गया है जो है आपका प्लेटफॉर्म पे। उसके साथ यहाँ पे आपका वॉश बेसिन लगाया गया है जो है, जहाँ पे आप बर्तन धो सकते हैं अपने। सामने आपका देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए आपका एग्जॉस्ट फैन और विंडो लगी हुई है, नीट एंड क्लीन। सामने आपका जो है विंडो, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है स्विच बोर्ड, नीचे आपका टाइल। यहाँ पे आपका होम अप्लायंस यूज करने के लिए स्विच बोर्ड दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो है आपका ये टैप लगा हुआ है जहाँ से आप वाटर यूज़ करते हैं। नीचे आपका जो है पीने के लिए पानी, उसके साथ साथ यहाँ आपका टैंक का पानी 24 आवर्स आपको मिलता रहेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी अगर आपको रेंट पे लेनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका रेंट आपका जो है 9000 पर मंथ होने वाला है। लोकेशन जो है आपका ये विश्वकर्मा नगर चितईपुर कॉलोनी में है। चलिए अब मैं दिखा देता हूँ आपको जो है सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए जो है आपका लॉबी में यानी हॉल में ही आपका जो है वेंटिलेशन का यहाँ पे देखिए ग्रिल लगाया गया है, जिससे आपका रूम के लिए प्लस आपका किचन के लिए दोनों तरफ आपको वेंटिलेशन मिलता है। उसके साथ साथ आपका जो है लॉबी और हॉल में भी आपको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन बनाया गया है जो है।
रूम के जस्ट बगल में वहाँ पे वॉशरूम है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो है कि जैसे आप वहाँ से देखिए एंटर करते हैं तो पहला आपका जो है गेस्ट रूम या आपका फर्स्ट बेडरूम, उसके बाद चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको अभी सेकेंड बेडरूम। तो सेकेंड बेडरूम में एंटर करने से पहले आप देखिए यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का डोर लगाया गया है, उसके बाद यहाँ पर माइक का प्रेस है, आप देख सकते हैं चौखट भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से मजबूत बनाया गया है जो है। रूम में जब आप एंटर करते हैं तो आप देखिए सीलिंग जो है वाइट कलर की पुट्टी पेंट लगाया गया है, नीट एंड क्लीन न्यू है, टाइल आपका वाइट कलर का लगाया गया है जो है। रूम में आप एंटर करते हैं पे आपको स्विच बोर्ड दिया गया है जहाँ से आप लाइट फैन कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर आपका जो है कर्टन पर्दा लगाने के लिए जो है रॉड लगाई गई है जो है पाइप। रूम काफ़ी बड़ा होने वाला है आपका जो है। रूम की साइज़ की बात करें तो ये आपका जो है 12 फीट इंटू जो है 14 फुट स्क्वायर फीट में होने वाला है, 12 इंटू 14। ये आपका विंडो जो कि आपका 5 फीट इंटू जो है आपका 3.5 फीट इसकी हाइट है जो है, आप देख सकते हैं। विंडो आपका जो है ग्लास लगाया गया है, सामने जो है ग्रिल लगाया है, एल्युमिनियम का आपका विंडो बनाया गया है। ये आपका रूम, और रूम से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका पहला बेडरूम, ये आपका लॉबी, सामने उस तरफ आपका जो है ये बगल में जस्ट आपका वॉशरूम है। चलिए मैं दिखा देता हूँ अभी आपको वॉशरूम। वॉशरूम में एंटर करते ही आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे टाइल प्रॉपर तरीके से लगाया गया है जो है, मिरर लगाया गया है, वॉश बेसिन है जो है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो है शावर लगाया गया है जो है, डिश साबुन रखने के लिए डिश वॉश यहाँ पे आपका पूरा तरीके से अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। हैंगर लगाया गया है जहाँ पे आप अपने क्लॉथ को हैंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूँ आपको बनारस में किसी भी लोकेशन में अगर आपको जो है प्रॉपर्टी आपको रेंट पे चाहिए 1 BHK 2 BHK, आप फैमिली के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर सिंगल हैं तो आप ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और हमारे व्हाट्सएप पर। सारी डिटेल जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये देखिए जो है यहाँ पे जो है आपका जो कबोर्ड बैठाया गया है वो वेस्टर्न होने वाला है जो है, नीट एंड क्लीन अच्छी क्वालिटी का अगर आप ढूंढ रहे हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ अब इस रूम के बाहर आपको एक खूबसूरत सी बालकनी जैसा आप देख रहे हैं। तो अगर आप इस रूम को इस अपार्टमेंट को हायर करना चाहते हैं, रेंट पर लेना चाहते हो, आप हमें जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे सारी डिटेल दी गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।